gravity using bar pendulum. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बार पेंडुलम का यूज़ करके है टी इज इक्वल्स टू 2π रूट अंडर एल बाय जी वेयर टी इज़ द टाइम पीरियड एल इज़ द लेंथ ऑफ द बार पेंडुलम एंड जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हम यहाँ से जी की वैल्यू फाइंड आउट करें दैट कम्स आउट टू बी 4π स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय एल बाय टी स्क्वेयर। सो दिस इज़ द फाइनल फॉर्मूला टू फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन दिस एक्सपेरिमेंट। This is the bar pendulum and bar pendulum is basically a compound pendulum और bar pendulum जो है एक long और uniform metallic bar ही होती है और जिसके अंदर holes drill किए हुए होते हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको hole दिखाई दे रहे हैं तो ये holes इस तरीके से drill किए हुए होते हैं कि इन holes की जो line है वो इस bar pendulum के center of gravity point से pass होती हुई जाए। तो यहाँ पर अगर हम count करें तो ये जो होल्स हैं वो टोटल 19 होल्स हैं। तो यहाँ पर देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 देयर आर इन टोटल 19 होल्स। तो इनमें से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट देखें तो 19 होल्स है यानी कि 9 ऊपर होल्स 9 नीचे होल्स बीच का जो होल है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होल होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो ये 10th होल है। जो 10th होल है दैट इज द होल ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये वाला जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होल उसके ऊपर 9 होल्स और उसके नीचे 9 होल्स। तो इस तरीके से ये बार पेंडुलम बना हुआ होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में इस बार पेंडुलम के दोनों साइड हमने एक पेपर कट करके लगाया हुआ है और उस पेपर के ऊपर हमने एक रेफरेंस लाइन डाल दी और हमने इन दोनों पेपर्स के ऊपर साइड का नाम ले लिया। दिस इज़ द बी साइड एंड दिस इज़ ए साइड। उसके बाद हमें ये दो नाइफ एज दिए हुए होते हैं इस तरीके से। आप देख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म नाइफ एजेस हैं जिसका एक साइड जो है वो शार्प एज है। ये शार्प एज हुआ इधर से ये राउंड एज है। तो हमें इन्हें इन होल्स में डालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों साइड हमें ये दो नाइफ एजेस दिए हुए होते हैं। इन नाइफ एजेस को हमें इन होल्स में एक एक करके इन होल्स में डालना होता है। तो हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट चूज़ कर लिया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट चूज़ करने के बाद हमने ए साइड और बी साइड दोनों साइड सेम होल में यानी सिमेट्रिकल हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। तो सिमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करनी है तो जो ए होल में जिस पॉइंट में जिस होल में हम नंबर ऑफ होल में ये नाइफ एज डालेंगे और बी साइड में भी हमें सेम होल में ये नाइफ एजेस डालने हैं। और हमें इन नाइफ एजेस को डालते वक्त एक बात ध्यान रखनी है कि जो इनका शार्प एज है ये शार्प एज ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट की तरफ लाई करना चाहिए। यानी अगर मैं यहाँ पर 9th होल में डालूं क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से तो ये पॉइंट 9th होल है तो इस होल में अगर मैं डालूं नाइफ एज को तो मुझे इस तरीके से ये डालना है कि इसका जो शार्प एंड है ये शार्प एज है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट की तरफ लाई करना चाहिए। और दूसरा इन नाइफ एजेस को हमें बहुत टाइटली बंद करना है। इस तरीके से दोनों साइड हमने नाइफ एजेस को होल्स में डाल दिया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 9th होल में मैंने साइड ए और साइड बी पे नाइफ एजेस को डाला है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये नाइफ एज है इसका शार्प वाला एज ऊपर की तरफ है क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है वो यहाँ ऊपर की तरफ है। और मैंने आपको बोला कि ये नाइफ एज का जो ये शार्प एज है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होल के साइड में होना चाहिए। स्मूथ वाला एज नीचे है और शार्प एज जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट की तरफ लाई कर रहा है। इस तरीके से हमने बार पेंडुलम को 9th होल में एडजस्ट कर दिया। अब 9th होल में एडजस्ट करने के बाद अब हमें इसे एक रिजिड सपोर्ट में वर्टिकली प्लेस करना है। दिस इज द रिजिड सपोर्ट और अब हमें अपने बार पेंडुलम को इस रिजिड सपोर्ट के ऊपर डालना है। तो रिजिड सपोर्ट के ऊपर मैं इस तरीके से इसे प्लेस कर दूँ
रिजिड सपोर्ट को मैंने रिजिड सपोर्ट के ऊपर मैंने बार पेंडुलम को प्लेस कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये साइड बी जो है एच बी ऊपर की साइड है और ए जो है वो नीचे की साइड है, और इन नाइफ एजिस का शार्प वाला एंड जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट की तरफ लाई कर रहा है। और जब आप इसे रिजिड सपोर्ट के ऊपर प्लेस करें तो एक बात ध्यान रखनी है कि जब आपने इसको वर्टिकली प्लेस किया तो ये वॉल के पैरेलल होना चाहिए। आप जहाँ पर देख सकते हैं कि वॉल के पैरेलली मैंने इसे प्लेस किया है, कोई इसमें रफनेस नहीं है, कोई नॉन यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि इस तरीके से आप अगर किसे आपने हैंग किया तो दीवार के साथ ये बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए, वॉल के साथ बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। इस तरीके से इसकी कॉन्फिग्रेशन हो कि ये जो वॉल है वॉल के पैरेलल होना चाहिए। हम एक होल में दो बार रीडिंग लेंगे, तो इस तरीके से एक बार रीडिंग लेने के बाद फिर दोबारा रीडिंग ली सेम होल के लिए, उसके बाद फिर हमें इससे रोटेट कर देना, यानी अब साइड बी को नीचे की तरफ लाना है, उससे हम फोकस करेंगे, और फिर बी साइड के नाइन्थ होल के लिए हमें दो बार 20 वाइब्रेशंस के लिए टाइम नोट करना है। इस तरीके से हमारी रीडिंग चलती रहेंगी। और फिर जिस तरीके से मैंने यहाँ बताया कि नाइन्थ होल में हमने एजिस को फिक्स कर लिया, अब नाइन्थ होल के बाद जब आपकी नाइन्थ होल की सारी रीडिंग्स कंप्लीट हो जाए, फिर आप इन नाइफ एजेस को खोल के फिर एक एक होल ऊपर की तरफ इसे शिफ्ट करते रहेंगे। नाइन्थ होल में अभी किया, फिर ऊपर वाले एक होल में शिफ्ट कर दिया, और बी साइड पे भी साइमल्टेनियसली बी साइड पे भी आप उसे शिफ्ट करते रहेंगे। यानी अगर आपका नाइफ एज ए साइड पे नाइन्थ होल में है तो बी साइड पे भी वो नाइन्थ होल में ही होना चाहिए, यानी जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वो फर्स्ट होल में हो, यानी कि यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन, जब नाइफ एजेस यहाँ हो और यहाँ हो, यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें ये ऑब्जर्वेशन कंप्लीट करनी है। दिस इज द ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बार पेंडुलम के बारे में अभी बताया, सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स का एक कॉलम लिख रहे हैं। नंबर ऑफ होल्स के कॉलम में नंबर ऑफ होल्स क्या होगा, जब हम बार पेंडुलम से रीडिंग लेंगे तो सबसे पहले हम नाइफ एजेस को जिस होल में रख रहे हैं उस होल का नंबर, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कौन से होल में हमने नाइफ एज को रखा, दैट इज द नंबर ऑफ होल। मान लीजिए कि फर्स्ट केस में मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नाइन्थ होल में अपने नाइफ एज को प्लेस किया है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स जो हो जाएगा वो नाइन हो जाएगा। और फिर सेकेंड कॉलम आता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कि उस होल का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना है। जैसे मैंने बोला कि हर एक होल जो है वो इक्वी डिस्टेंट है बार पेंडुलम में, और वो लगभग 5 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो हम वो बाद में मेजर कर लेंगे कि कितना सेंटीमीटर का डिस्टेंस है दो होल्स के बीच में। तो वहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वो होल कितने डिस्टेंस के ऊपर लाई कर रहा है। तो यहाँ से ये कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि बार पेंडुलम के दोनों साइड दो एज हैं, उन दोनों एज पे मैंने एक को ए मार्क कर दिया और दूसरे को बी मार्क कर दिया, तो मुझे जो ऑब्जर्वेशन करनी है वो ए साइड के लिए भी और बी साइड के लिए भी करनी है। तो जब मैंने ए साइड पे नाइन्थ होल में अपने नाइफ एज को डाला है तो मुझे बी होल में भी अपने बी साइड भी अपने नाइफ एज को नाइन्थ होल में डालना पड़ेगा। ए साइड के लिए जब हमने टेलीस्कोप को फोकस किया तो उस टाइम हमें वाइब्रेशंस देखने हैं कि जब नाइन्थ होल में ए साइड के नाइन्थ होल में नाइफ एज है तो उस टाइम जब हम वाइब्रेशन करा रहे हैं तो 20 वाइब्रेशन के लिए वो कितना टाइम ले रहा है, तो वो हमने नोट कर लिया। और वो टाइम की जो ऑब्जर्वेशन है हम वो 2 टाइम्स करेंगे, तो 2 टाइम्स करने के बाद हमें मीन टाइम मिल जाएगा। इस तरह से सारे नंबर ऑफ होल्स के लिए हम ये काम कर लेंगे, टाइम नोट कर लेंगे। वहाँ से फिर हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड हमें पता है कि एक ओसिलेशन को करने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज़ द टाइम पीरियड। तो जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो एक ओसिलेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है वो हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे यहाँ पर नाइफ एज ए के लिए कर रहे हैं, सेम काम हम बी के लिए करेंगे। ए से रोटेट करके हम बार पेंडुलम को बी साइड कर देंगे, और बी साइड करने के बाद हमें सेम ऑब्जर्वेशन करनी है, और वहाँ से हमारा टाइम पीरियड फाइंड आउट हो जाएगा साइड ए के लिए भी और साइड बी के लिए भी। यहाँ से अब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस नोट करने वाले हैं। तो ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट, और साइड ए के लिए अगर मैं काम करूँ तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अगर पॉइंट है तो ये जो होगा ये फर्स्ट होल, सेकंड होल, थर्ड होल, फोर्थ होल, फिफ्थ,
सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ होल। तो इस तरीके से अब हमें, मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्वेशन टेबल में एक कॉलम जो है वो होल्स के डिस्टेंस का भी है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पर्टिकुलर होल कितने डिस्टेंस के ऊपर पड़ा है। तो यहाँ पर देखिए आप कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ये है और फर्स्ट होल ये है, फर्स्ट होल ये है। तो अब हमें इनका डिस्टेंस नोट करना है, तो मीटर स्केल से हम नोट करेंगे। और कैसे नोट करेंगे कि इस होल के सेंटर से इस होल के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस होल के सेंटर से इस होल तक के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर पड़ा। उसी तरीके से इस होल का फ्रॉम सेकेंड होल डिस्टेंस जो होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर उसी तरीके से थर्ड होल के लिए वो 15 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हर एक होल जो है बार पेंडुलम पे वो इक्वी डिस्टेंट है और उनका डिस्टेंस एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आप नाइन्थ होल तक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस पॉइंट को, जो ये रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन को हमें टेलीस्कोप के व्यू में लेके आना है। तो टेलीस्कोप को सेट करने का जो तरीका है, सबसे पहले जिस ऑब्जेक्ट को आप फोकस करें, टेलीस्कोप का मतलब जो है वो दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। तो टेलीस्कोप को जब आप सेट करना चाह रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट का और टेलीस्कोप का जो डिस्टेंस है वो कम से कम 1.5 से 2 मीटर तक के बीच में रहना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने टेलीस्कोप को बार पेंडुलम से कितने डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है। तो इतने डिस्टेंस के ऊपर रख के आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर आप किस तरीके से जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर कैसे कैसे एलिमेंट्स दिए हुए होते हैं, कौन कौन से कॉम्पोनेंट है टेलीस्कोप में, तो टेलीस्कोप में देखिए 3 तरीके के स्क्रूज आपको दिखाई देंगे। मैंने टेलीस्कोप को स्टैंड में डाल दिया। स्टैंड में डालने के बाद अब यहाँ पर आपको करना है सबसे पहले कि जिस भी पॉइंट को आपको फोकस करना है आपको उसे एक लेवल में लाना चाहिए कि टेलीस्कोप के आई पीस को और जो मुझे ए पॉइंट को, जो रेफरेंस लाइन आपको दिख रही है ए की, उसको फोकस करना है। तो आई पीस को और उस ए की क्रॉस वायर्स को मुझे एक लेवल में लाना है। और यहाँ पर 3 स्क्रूज आप देखेंगे टेलीस्कोप में, और इन 3 स्क्रूज का डिफरेंट डिफरेंट काम क्या होता है। ये वाला जो स्क्रू आपको दिख रहा है, ये वाला स्क्रू जो है वो फोकसिंग स्क्रू है कि अगर आपको इमेज, जिस ऑब्जेक्ट को आप देखना चाह रहे हैं उसकी इमेज ब्लर दिखाई दे रही है, तो आप इस स्क्रू के साथ उसे क्लियर इमेज बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक स्क्रू ये दिया हुआ है, इस स्क्रू से आप टेलीस्कोप को स्लांटेड कर सकते हैं, यानी कि ऊपर नीचे अगर आपको मूव करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो टेलीस्कोप है वो थोड़ा स्लांटेड पोजीशन में पड़ा है, तो इस वाले स्क्रू के साथ इसको ऊपर नीचे करके आप टेलीस्कोप को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, स्लांटेड पोजिशन में लेके आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो स्क्रू है, इस स्क्रू को यूज़ करते हैं तब, मान लीजिए कि आपके जो टेलीस्कोप है उसकी क्रॉस वायर है जो वो, और एक ही क्रॉस वायर जो है वो कोइंसाइड नहीं हो रही, थोड़ी बहुत लेफ्ट राइट में है। जब लेफ्ट या राइट में हो तो आप इस वाले स्क्रू का यूज़ करेंगे उनको कोइंसाइड कराने के लिए। अब एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको बता रही हूँ कि वाइब्रेशंस को आपको किस तरीके से काउंट करना है। अब डिस्प्लेसमेंट देने के बाद फर्स्ट वाइब्रेशन इज 0, और जैसे ही 0 आप काउंट करेंगे तभी आपको स्टॉपवॉच को ऑन कर देना है। तो देखिए 0, 1, this is 2, 3। तो अब हमने बार पेंडुलम को सेट कर दिया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नाइन्थ होल में। अब हम रीडिंग लेना शुरू करेंगे, और रीडिंग हमें सेम उसी तरीके से लेनी है जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप वाइब्रेशंस को काउंट करेंगे। तो अब हम बार पेंडुलम को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे और उसके बाद फिर टेलीस्कोप में 20 वाइब्रेशंस के लिए टाइम नोट करेंगे। two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty। तो 20 वाइब्रेशंस के लिए साइड ए के लिए जो हमारा टाइम आ रहा है वो आ रहा है 33 सेकेंड्स। तो फर्स्ट जो रीडिंग है नाइफ एज ए के लिए, वो टाइम की जो है वो 33 सेकेंड्स है। उसके बाद हमें
उसे दोबारा से रेस्ट पर लाके सेम होल के लिए, सेम साइड के लिए, टाइम के लिए एक और रीडिंग लेनी है। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवेंटीन, एटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी। दोबारा नाइन्थ होल में रीडिंग ली और अब जो रीडिंग आ रही है वो है 32 सेकेंड्स। अब हम यही सेम काम साइड बी के लिए करेंगे। अभी साइड ए के लिए हमने नाइन्थ होल के लिए दो टाइम नोट किए हैं, अब साइड बी के लिए करना है। तो बार पेंडुलम को हम रोटेट करके साइड बी को हम नीचे की तरफ लेके आएंगे और टेलीस्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू में हमें साइड बी को रखना है और फिर सेम उसी तरीके से हम रीडिंग लेंगे जैसे हमने साइड ए की ली है। तो अभी जो साइड नीचे की तरफ है वो है साइड बी। अब हम टेलीस्कोप में दोबारा से इसे फोकस कर लेते हैं। साइड बी फोकस हो चुका है। अब हम सेम उसी तरीके से जैसे हमने साइड ए के लिए रीडिंग ली है साइड बी के लिए भी रीडिंग लेंगे और बार पेंडुलम को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे और फिर सेम होल के लिए दो टाइम की रीडिंग्स नोट करेंगे। अब हम नाइन्थ होल से शिफ्ट करके इन शार्प एजेस को एक एक होल शिफ्ट कर रहे हैं। अभी नाइन्थ होल से शिफ्ट करके एट होल में हम डालेंगे और जो एट होल में डालना है वो ए और बी साइड दोनों को ही डालना है और शार्प एजेस की पोजीशन वही रहेगी जो मैंने आपको बताया था कि इनके शार्प एंड जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट की तरफ लाई करने चाहिए। ये देखिए शार्प एंड जो है इस शार्प एज का वो हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट की तरफ लाई करवाया हुआ है और सेम साइड दूसरी साइड भी हम यही काम करेंगे कि दूसरी साइड भी एक होल को शिफ्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने एक एक होल शिफ्ट कर दिया। तो अब जो ये शार्प एज है वो एक एक होल शिफ्ट होकर एट होल में आ चुके हैं। तो साइड बी और साइड ए की साइड साइमल्टेनियसली हमने इन्हें शिफ्ट किया है। अब एट होल के लिए हमने दोबारा से रीडिंग लेना है। तो साइड ए को मैं नीचे की तरफ रख रही हूँ, तो ये साइड ए है तो मैं साइड ए को नीचे की तरफ रख के इसे डिजिट सपोर्ट पे हैंग कर रही हूँ और उसके बाद फिर सेम वही तरीका कि 20 वाइब्रेशंस के लिए हमें टाइम को नोट डाउन करना है। तो इस तरीके से हमने अपने शार्प एजेस को एक एक होल ऊपर शिफ्ट किया और ऊपर शिफ्ट करते करते अब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फर्स्ट होल में आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड ए और साइड बी में मैंने दोनों साइड शार्प एजेस को फर्स्ट होल में रखा हुआ है। तो ये लास्ट रीडिंग है हमारी।
सो दिस इज द कंप्लीट ऑब्जर्वेशन टेबल. तो यहाँ पे हमने 9th होल से शुरू किया और लास्ट 1st होल तक लेकर आए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट से ये 9th होल से 1st होल में है. और साइड ए और साइड बी के लिए हमने यहाँ पर टाइम पीरियड को नोट डाउन कर लिया. तो टाइम पीरियड हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है साइड ए के लिए और साइड बी के लिए. अब आगे कैलकुलेशन करने के लिए हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट से, यानी कि जो होल्स हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितने पॉइंट कितने डिस्टेंस के पास पड़े हैं उसका, और टाइम पीरियड के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया है. और ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने टाइम एक्सिस लिया है, टाइम पीरियड का एक्सिस, और यहाँ पर मैंने दोनों साइड डिस्टेंस का एक्सिस लिया है. एक साइड मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ए को और दूसरी साइड रिप्रेजेंट कर रही हूँ बी को. और तब हमने इन सारी रीडिंग्स को यहाँ प्लॉट कर लिया. तो देख सकते हो आप कि यहाँ पर 45 डिस्टेंस के ऊपर टाइम पीरियड 1.625 है, तो 45 के ऊपर जो टाइम पीरियड है वो 1.625 है. तो वो इस तरीके से मैंने प्लॉट कर लिया. और प्लॉट करने के बाद मैंने सारी रीडिंग्स को जब कनेक्ट किया है, तो कनेक्ट करने के बाद ग्राफ की जो शेप है वो कुछ इस तरीके से आ रही है. तो अब हमें कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन हमें जी फाइंड आउट करना है. और जी फाइंड आउट करने के लिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो था जी इज इक्वल्स टू 4π² एल बाय टी स्क्वेयर. अब हमें ग्राफ से ही फाइंड आउट करना है. ये एल जो थी मैंने आपको बोला था कि ये एल जो है वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, टी इज द टाइम पीरियड. अब हमारे पास तो बहुत सारे टाइम पीरियड हैं, तो अब किस तरीके से टाइम पीरियड को नोट डाउन करेंगे. तो यहाँ ग्राफ बनने के बाद मैंने इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ किया है जो कि डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल होगी. डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और उस लाइन को ड्रॉ इस तरीके से किया कि वो ग्राफ को 4 पॉइंट्स पे कट करे. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी सी और डी पॉइंट्स पर ये लाइन जो है जो कि मैंने डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की है वो 4 पॉइंट्स ए बी सी डी पे ग्राफ को कट कर रही हैं. इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ की और वही लाइन टाइम पीरियड एक्सिस पर किसी एक पर्टिकुलर टाइम को रिप्रेजेंट करेगी. यहाँ पर आप देखें जो मैंने लाइन ड्रॉ किया वो 1.5 के कोरस्पॉन्डिंग की है. तो 1.5 के कोरस्पॉन्डिंग ए बी सी डी 4 पॉइंट्स मिल गए और 4 पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग जो टाइम पीरियड है वो 1.5 है. इसीलिए अब यहाँ इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग जो टाइम पीरियड आएगा मेरा, तो वो टाइम पीरियड की वैल्यू होगी 1.5 सेकेंड. अब हमें फाइंड आउट करना है एल. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी 4 पॉइंट्स पर ये लाइन मीट कर रही है ग्राफ को. तो इन ए बी सी डी पॉइंट्स में देखिए ए पॉइंट और सी पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अलग अलग पोजीशन यानी अपोजिट साइड में पड़े हैं. ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ए और सी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में पड़े हैं. अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में पड़े हैं तो इनमें से अगर एक कोई सेंटर ऑफ सस्पेंशन है तो दूसरा सेंटर ऑफ ऑसिलेशन होना चाहिए. तो इस तरीके से जो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन और सेंटर ऑफ सस्पेंशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही है लेंथ ऑफ द बार पेंडुलम. तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट ए एंड सी एंड द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी पॉइंट. तो यहाँ पर ए पॉइंट था जहाँ पर 1.5 वाली लाइन जो है वो टच कर रही थी इस ग्राफ को. तो वो पॉइंट जो था मैंने ड्रॉ किया था वो 34 डिस्टेंस के ऊपर पड़ा था. और वैसे ही सी का जो डिस्टेंस था फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो था 23. तो इस तरीके से लेंथ जो होगी वो ए सी होगी और बी डी होगी. तो दो लेंथ मिल गई और उन दोनों लेंथ का हम मेन फाइंड आउट करेंगे. तो ए से सी तक का डिस्टेंस 34 प्लस 23, ये हुई ए सी की लेंथ यानी पेंडुलम की लेंथ. तो यहाँ से ये आता है 57 सेंटीमीटर. और उसी तरीके से बी और डी के बीच की लेंथ जो है वो है 22 प्लस 33 इज इक्वल्स टू 55 सेंटीमीटर. दो लेंथ आ गई हमारे पास. तो अब जो हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है वो मीन निकालना है इन दोनों का. और इन दोनों का मीन फाइंड आउट करेंगे तो वो आता है 56 सेंटीमीटर. तो अब जो टाइम पीरियड है वो 1.5 सेकेंड है, एल जो है वो 56 सेंटीमीटर है. तो इन दोनों वैल्यूज को जब हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं 4π² मल्टीप्लाई बाय 56 एंड डिवाइड बाय 1.5 स्क्वायर,
वैल्यूज पुट करने के बाद जो जी की वैल्यू आती है, यहाँ से जी की वैल्यू आती है 981.5779 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब अगर हम परसेंटेज एरर निकालें तो सरफेस पे हमें पता है कि स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 981। तो वहाँ से अगर परसेंटेज एरर फाइंड आउट करते हैं तो परसेंटेज एरर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड वैल्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो 981.5779 माइनस 981 डिवाइड बाय 981 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज एरर इज 0.057%। So from this experiment, we have calculated the value of acceleration due to gravity on the surface of Earth by using bar pendulum. And if you like this video, like and share this video and subscribe our channel. Thank you.